हेलो गाइस, तो आज है हन्नू का बर्थडे। हन्नू कौन है? हन्नू है मेरी सिस्टर। और आज हम फर्स्ट टाइम बर्थडे में आज हम आउटसाइड बर्थडे मनाएंगे और कहीं घूमने जाएंगे, तो लेट्स हैव फन। अब विचार इनके लीजिए पीछे जो। अरे मम्मी ने उल्टा। सो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं रेणुका झील घूमने। रेणुका झील आती है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे एक जू को और पिकनिक भी मनाएंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं नाना टिक्कर। ये है नाना टिक्कर का बस स्टैंड। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। ये मम्मी स्पेक्स लगा के, ये भाभी जी भी नहीं है स्पेक्स लगा के। और मैं ये भैया गाड़ी चलाते हुए वादियों का लुत्फ उठाते हुए हम निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब ये हम पहुंच गए हैं भूषिंग महादेव के जंगलों में। और यहाँ से हमें लॉनी यूनिवर्सिटी भी दिखाई देती है। एक सेकेंड, यहाँ से अभी विजिबिलिटी कम लग रही है थोड़ी। अच्छा, ये देखिए ये ऋषि महादेव के जंगल में पहुंच चुके हैं। और ये जंगल बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। देखिए, और यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड को नॉन यूनिवर्सिटी और थारों की धार भी दिखाई देती है। अगर अभी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से पहाड़ आ चुके हैं बीच में। बट आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर नजारा है। देखिए मौसम भी बहुत सुहावना हुआ है। नजर आता है और धारों की धार भी दिखाई देती है। धारों की धार इसलिए प्रचलित है क्योंकि वहां पे एक बहुत ही पुराना किला है। वो देखिए बहुत सुंदर। सुहावना रोड है, कितना सुहावना सफर। आज हन्नू के बर्थडे के उस उपलक्ष में हमने ये जो प्लान किया है, हमें उम्मीद है कि बर्थडे गर्ल को बहुत ही मजा आ रहा होगा।
क्योंकि ये एक पहले से ही प्लांट वैसे तो था ये, पर ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि हम किसी के बर्थडे को आज आउटसाइड बनाएंगे, तो बहुत ही मजा आ रहा है फन। और मेरे छोले खाने का बहुत दिल कर रहा है। इन्होंने घर से छोले बनाए तो ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं कि बहुत ज्यादा छोले खाने का मजा आएगा इनको। पहले तो ये ब्रेकफास्ट नहीं लाए, इसके लिए हमारे को कहीं बैठ के सेब काकड़ी खानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम छोलों के बारे में कुछ विचार करेंगे। पीछे लीना है वो सेब काटने में काफ़ी व्यस्त, अगर उसने नमक भी डाल दे तो बहुत मजा आ जाए। पहुंचे हम चरानी घाटी, कुछ ऐसा ही नाम है यहाँ पे, हम फैमिलियर नहीं है उस हिसाब से। ले मम्मी बीच, अब हम पहुंच गए पुरसिंह महादेव, यहाँ से हम ऑन फुट भी जा सकते हैं यहाँ से होते हुए। और बहुत सुंदर नज़ारे हैं। पुरसिंह महादेव एक बहुत ही ऐतिहासिक शिव जी का मंदिर है और वो काफ़ी हाइट में है, उसके पीछे के काफ़ी सारे रहस्य है उस मंदिर से जो कि जुड़े हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर व्यूज है यहाँ से, और ये सारा सोलन पार से दिखते हुए सोलन सिरमौर। और अब हम करते हुए यहाँ पर एप्पल पार्टी, ये देखिए एप्पल पार्टी, ये हैंडमेड नमक है बहुत ही मिर्ची वाला। और यहाँ पर भैया मुंह से पानी निकालता हुआ, नहीं गया तो ये देखिए बहुत मजे आएंगे। हैव फन विद एप्पल्स। ये यहाँ पे सेब का नमक, खूबसूरत पहाड़ी, लास्ट पहाड़ी जो दिख रही है वो करोल की, थोड़ा सोलन एरिया, थोड़ा सिरमौर एरिया। नमक के साथ सेब खाते हुए तू खा लेना, टूरिस्ट घूमने आते हुए। आज हम भी टूरिस्ट ही बने हुए हैं एक तरीके से। ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे वाटरफॉल, देखो क्या हाँ चलो ये हम पहुंच चुके हैं परशुराम ताल, रेणुका झील आगे है, ये परशुराम ताल है, ये भी बहुत बड़ा। यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाते हुए हमारी बर्थडे गर्ल है, देखिए बहुत बड़ा ये ताल। यहाँ गाड़ी पार्क की है छाए में, ये मम्मी और ये लीना बैठी हुई है और यहाँ पे मछलियाँ लड़ रही है आपस में खाने के चक्कर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य। परशुराम ताल है ये, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाया गया, मछलियाँ जा चुकी है,
बहुत लोग टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं। अच्छी जगह है, वन टाइम विजिट तो नहीं पर मस्ट विजिट जरूर है, दो चार बार आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारी परशुराम ताल, इसके पीछे ही है रेणुका झील। अब हम वहां जाएंगे। रेणुका झील बहुत ही सुंदर दृश्य, अद्भुत नजारा। ये मैं और मेरी वाइफ चलते हुए, और ये यहाँ पे हमारी रेणुका झील जिसमें बहुत से लोग बोटिंग कर रहे हैं, और इधर मछलियाँ भी है, लोग बहुत है बोटिंग कर रहे हैं बीच समंदर में जाके। देखते हैं अगर बात बनी तो हम भी करेंगे। अरे ये क्या बीच में काला काला जैसा मछली। ये आगे मम्मी और हन्नू चलते हुए चल रहे हैं, ये भी देख रहे हैं नज़ारा। वैसे तो बोल रहे थे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ झील ही है, पर झील से बढ़कर यहाँ पे दृश्य देखिए, मत्स्य। और इधर डालो, इधर बहुत है, बहुत है हमारे पास आटा। वो देखो तो पर कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। ये भालू अकेला रखा हुआ है, और ये बहुत ही परेशान क्योंकि बोर हो रहा है, पर देखने में बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। पर बेचारा अकेला, ये कोई साथी होता तब भी चलो इसका टाइम पास होता, पर चलो है ये। लीना ने वो किया, कमिट किया कि ये साथी बनने को तैयार है भालू की। हम अभी वाइल्ड लाइफ वालों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में। तो ये हम रेणुका झील में बोटिंग करते हुए, मम्मी ये मम पानी के बीचों बीच मजे लेते हुए है? क्या नहीं हो रहा, ये देखिए ये कर रहे हैं हम बोटिंग। थोड़ा साइड वाले दिखा दो कहाँ कहाँ जा रहे हैं बीचों बीच समंदर के, रुक जाके जा रहे हैं। मम भाभी जी कैमरा कॉन्शियस हो रहे हैं। हेलो गाइस, गाइस और भैंस चल गया होते। ये देखिए बिल्कुल समंदर के बीचों बीच ये हमारे दो टोटल फन। हैप्पी बर्थडे टू हन्नू, थैंक यू। इसको ऐसा बर्थडे आई होप याद रहेगा बहुत टाइम तक। और लीना यहाँ शरारत करते हुए इसने आग लगा दी है, और अभी आग बहुत भड़केगी ऐसा लगता है। देखे देखिए हमने फूल निकाला, कमल का फूल और दो है, और देखिए इसका धागा भी होता है, इसको कई कई जगह कलेक्ट करके वो कपड़ा भी बनाया जाता है। ये इसका धागा है, इसे कपड़ा भी बनाया जाता है, बहुत महंगा होता है इसका धागा। और इसको अगर हम और पीछे तोड़ेंगे तो और धागा निकलेगा। ये देखिए ये धागा, इसे धागा बनता है, कपड़े बनते हैं। कमल का फूल है, ये दो निकाले हमने, मम्मी के पास भी एक ऐसे निकालते हैं इनका धागा।